नमस्कार, मैं हूं दुर्गेश सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं सिटी 24 उज्जैन। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख गतिविधियों पर। प्रतिवर्ष की परंपरा के अनुसार बाबा महाकालेश्वर को राखी बांधी गई, साथ ही बाबा को 1.25 लाख लड्डुओं का भोग भी लगाया गया। धार्मिक नगरी उज्जैन में परंपरा है कि पूरे देश में जो भी त्योहार हो सबसे पहले महाकाल के दरबार में मनाया जाता है, उसके बाद पूरे देश में इसकी शुरुआत होती है। उसी के अनुसार आज रक्षाबंधन पर्व पर बाबा महाकाल को राखी बांधी गई और राखी त्योहार पर्व की शुरुआत की गई। आज सुबह उज्जैन में बाबा महाकाल को राखी बांधी गई और 1.25 लाख लड्डुओं का भोग लगाया गया। इसके बाद पूरे देश में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया गया। यहाँ बता दें कि बाबा महाकाल के दरबार में रक्षाबंधन का पर्व विशेष रूप से मनाया जाता है। आज तड़के बाबा महाकाल की सबसे पहले विशेष भस्म आरती की गई। भस्म आरती से पहले बाबा को जल से नहलाकर महापंचामृत अभिषेक किया गया। इसमें दूध, दही, घी, शहद और फलों के रस से अभिषेक हुआ। अभिषेक के बाद भांग और चंदन से भोलेनाथ का आकर्षक श्रृंगार किया गया और भगवान को वस्त्र धारण कराए गए। तत्पश्चात बाबा महाकाल को भस्म चढ़ाई गई। इसके बाद झांझ मजीरे, ढोल नगाड़ों और शंखनाथ के साथ बाबा महाकाल की भस्म आरती की गई। भस्म आरती के बाद भगवान महाकाल को पुजारी परिवार की ओर से रक्षा सूत्र अर्पित किए गए। तत्पश्चात भगवान महाकाल को 1.25 लाख लड्डुओं का भोग लगाया गया। यहाँ बता दें कि बाबा महाकाल के दरबार में हर त्योहार सबसे पहले मनाया जाता है, इसके बाद पूरे देश में पर्व मनाया जाता है। यह परंपरा बरसों से चली आ रही है। इसके चलते आज रक्षाबंधन का पर्व बाबा महाकाल के दरबार में बड़े उत्साह व उमंग के साथ मनाया गया। आज के दिन का भक्त विशेष इंतजार करते हैं, इसलिए आज महाकाल के दरबार में सुबह से ही उत्साह और आनंद का माहौल बना रहा। बाबा महाकाल ये हमारे बड़े भाई हैं, हमारे अन्नदाता, हमारे कुलदेव, जो भी सब कुछ है वो बाबा महाकाल ही है। हम पुजारी परिवार की महिलाएं बाबा महाकाल को ये पहली राखी चढ़ाते हैं, उसके बाद ही हमारे भाई बहन का राखी बांधी जाती है। उसके बाद हम लोग भाई, हमारे बाबा महाकाल जो है उनका ही जो रक्षक है, सब कुछ बाबा महाकाल ही है। उसके बाद हम लोग बाबा महाकाल का 1.25 लाख लड्डू का वहाँ भोग लेते हैं, उसे सावन का सोमवार तोड़ते हैं। कालों के काल महाकाल, इनको कालों को काल कहा गया है, इसलिए जो भी पर्व और उत्सव होते हैं वो प्रथम यहाँ पे मनाए जाते हैं। श्रावण मास भी यहाँ पे प्रथम रूप से मनाया जाता है। सावन पूर्णिमा है, आज श्रावण का समापन है, इसलिए बड़े धूम से भगवान का उत्साह से भक्त द्वारा और यहाँ के पुजारी परिवार के द्वारा ये उत्सव मनाया जा रहा है।